फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बिरयानी, जो कि मेरे हिसाब में है, हमारे कहने के हिसाब में आती है प्रोटोकॉल बिरयानी। क्योंकि ये ख़ास बिरयानी, हम जब कोई मेरे घर में कोई अच्छा इवेंट होता है या कोई गैदरिंग होती है तो मैं बनाती हूँ। इसके लिए मैंने लिए हैं चावल, ये हैं 1.25 किलो के करीब चावल, 1.5 किलो के करीब है मेरे ये पास चिकन। और जो इसका प्रोटोकॉल सेशन है वो मैं आपको आगे बजा के बताऊंगी कि क्या है क्या नहीं। अब इसकी तैयारी शुरू करते हैं। ये मैंने लिए हैं 2 बड़े आलू लिए थे, तो उनको काटा है। इनके हम फ्राइज़ बनाएंगे, इनको मैं करूंगी फ्राई। ये भी इसमें डालेंगे। ये मैंने अपने शामी जो है निकाले हैं, चिकन वाले शामी हैं, ये मैंने फ्रीज़ करके रखे थे बना के, मैंने निकाल दिए। इनकी वीडियो फिर कभी आपको ज़रूर सिखाऊंगी ये बनाना। तो ये भी हम साथ फ्राई करेंगे, और अब मैं ये जो है शामी, इनको भी फ्राई करूंगी बिरयानी में डालने के लिए। और ये हैं 4 अंडे मैंने लिए हैं, इन 4 अंडों को मैं बॉयल कर लूँगी। ये मेरे फ्राइज़ तैयार हो गए हैं, यहाँ मेरे शामी तैयार, और ये 3 अंडे बॉयल कर रही हूँ, ऊपर कट करके डालने हैं साथ मैंने। तो अब इसके साथ साथ जो है अपना बिरयानी बनाने का काम भी शुरू करती हूँ। अब एक पतीले में मैं जो है प्याज टमाटर जो है वो भूनूँगी। इसमें जो है कढ़ाई में 1 कप के करीब जो है वो ऑयल ले लिए, क्योंकि बिरयानी है, ज़्यादा ऑयल ही अच्छा लगता है, ज़्यादा ऑयल में ज़रा मॉइस्ट सी बनती है। पहले 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज लेके जो है उसको कट करके जो है वो ऑयल में 1 कप ऑयल के साथ जो है उनको भून लेंगे। प्याज जो है वो ब्राउन हो गया है, अब मैं अदरक लहसुन डालूँगी चॉप्ड है, तकरीबन 1.5 चम्मच जो है वो 1 इंच के करीब का जो है वो है अदरक, और लहसुन है 5 जो है, और जो है ये हरी मिर्चें हैं चॉप्ड हैं ये भी, और ये हैं 4 हरी मिर्चें हैं, इतनी बड़ी नहीं थी, छोटे साइज की ही थी। चिकन डाल दिए, चिकन को फ्राई करने के लिए, इसके अंदर ही 7 मसाले के वो भून जाएगा। चार ग्लास मेरे चावल हैं, उनके लिए बॉयल कर रही हूँ पानी, तो मैंने आपको बताया था 1.25 किलो के करीब हैं, तो उसमें जो है 6 टीस्पून जो है वो नमक के डाल रही हूँ मैं। ये पानी जब बॉयल हो जाएगा तो इसमें चावल डाल दूँगी। जो गरम मसाला था वो चिकन में डाल दिया, इसलिए पानी में नहीं डाला, क्योंकि पानी में अगर चावलों के साथ बॉयल करते हुए पानी में गरम मसाला डाल दो तो वो चावलों का ना कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इस वजह से नहीं डाला। ये देखें चिकन का कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है, और इसको भुना है, तो इसमें अब डालेंगे बिरयानी मसाला। 1/2 पैकेट जो है मैंने डाला है बिरयानी मसाला, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी हम खाते नहीं हैं, इस वजह से थोड़ा डाला है। और इसमें जो है तकरीबन जो है 1/2 कप जो है वो डाल दें दही, दही के पानी में पकेगा, इसमें पानी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना, ये चिकन अपने पानी में और दही के पानी में, और टमाटर है साथ, यह उसमें अच्छे से गल जाएगा, एक्स्ट्रा पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चिकन में जो है 3 चम्मच साथ हम नमक डाल देंगे, ताकि बोटियों में अच्छे से नमक का टेस्ट आए, बोटियाँ जो है वो अंदर से फीकी फीकी ना लगें, टेस्टलेस ना लगें। अब इसको कवर करके चिकन को आग जो है वो थोड़ी स्लो कर देंगे, मीडियम लो रखेंगे, बिल्कुल लो नहीं कर देनी आपने। मीडियम लो पे ही होता है कि चिकन फिर अपना पानी छोड़ देता है, दही भी अपना पानी छोड़ देगा, और फिर उसमें ये पक जाएगा चिकन। ये देखें पानी अच्छे से बॉयल हो गया, और अब मैं इसमें जो है चावल जो है वो डालने लगी हूँ। अब जो है चावल बॉयल कर लेंगे, चावल जो होते हैं तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर बॉयल हो जाते हैं अच्छे से। एक और चीज़, जब चावल बॉयल किया करें ना, तो उसके नीचे जो फ्लेम है आपने वो इतनी रखनी है कि वो पैंदे के नीचे नीचे रहे, बाहर को ना उबर उबर के आए, इस चीज़ का ख्याल रखा करें, क्योंकि चावल को फिर हमने अच्छे से थोड़ा बॉयल करनी रख के करना है, और फिर जो है वो जब पानी आग भी इतनी सेक निकालेगी तो फिर वो अच्छा नहीं लगता।
साइड से जो है वो बर्तन सारा काला हो जाता है, और इसलिए कोशिश किया करें कि फ्लेम को स्लो मीडियम रख के जो है, या फिर जो है क्या कहते हैं पेंदे के नीचे खसूसन जो है उसकी आग रहनी चाहिए, पेंदे से बाहर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये मैं इसलिए आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ कि मोस्टली जो है न्यू कमर जो होती हैं, जो हमारी बच्चियाँ जो हैं जो कुकिंग स्टार्ट करती हैं, सीखना शुरू करती हैं, उनके लिए जो है ना ये चीज़ें जो है ना बेनिफिशियल होती हैं, उन्हें चीज़ें को पता चलता रहता है। ये एक कनी चावल रह गया है और अब इसको जो है ना मैंने थाड़ने लगी हूँ, ये पानी इसमें से निकाल लेना है। ये चिकन भी रेडी हो चुका है, इसमें देखें घी छोड़ दिए, इट मीन्स कि ये रेडी है। अब जो है हम बिरयानी की तह लगाते हैं। ये मेरा तवा, दम वाला स्पेशल तवा, इसको पहले आप लोगों ने जो है ना 5 मिनट फुल फ्लेम करके अपने तवे को गर्म कर लेना है। थोड़ा सा ऑयल डाल के नीचे और उसके ऊपर आधे जो चावल हैं बॉयल्ड वो डाल दें तेल लगाने के लिए एक तेजी में, क्योंकि ज़्यादा थोड़े चावल हैं इसलिए जो है ना मेरा बर्तन ज़रा बड़ा है। अब इसमें जो है हम चिकन डाल देंगे इसके ऊपर, ये अब चिकन डालेंगे ऐसे ऊपर फैला के, आधा चिकन डाला है। अब इसके ऊपर जो है थोड़े से और चावल डालेंगे, अब बाकी का चिकन इसके ऊपर डाल देंगे, देखें ऐसे इसको अच्छे से फैला देंगे, ऊपर स्प्रेड कर देंगे। और अब इसके ऊपर जो है पुदीना, कड़ी पत्ता, धनिया, इसका जो है मसाला काटा हुआ है, तीनों चीज़ें काटी हुई हैं, ये ऊपर डाल दिए। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इन चीज़ों का इसके साथ। अब बाकी के सारे चावल जो है वो इसमें डाल दिए। ये चावल सारे डाल दिए, अब इसके ऊपर जो है जो बिरयानी कलर होता है फूड कलर जर्दे रंग का वो डालेंगे। देख रहे हैं कैसे कहीं कहीं डालना है, ये नहीं कि पूरे अंदर एक जगह पे डाल देना है, फैला के डालना। अब इस पे जो हमने वो किए थे फ्राइज किए थे फ्राई आलू के फ्राइज बनाए थे वो डाल दें। ये बहुत मज़े के बनेगी, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। मैं वैसे इतना स्पाइसी खाना और इतना ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, नॉर्मल खाने बनाते हैं। ये खाने जो हैं ये कभी कभी ही बनाए जाते हैं, और इनको खुशी से बनाया करें और शौक से बनाया करें। अब जो है कबाब हमारे वो रख लेंगे, बॉयल एग किया था उसको जो है गोल स्लाइसेस में काट लिए, उसको लगा देना। ये देखें इस तरह कुछ, ये इस तरह रख देना है, और अब इसका ढक्कन ढक के इसको दम दे देना है 10 मिनट के लिए। अब जब बिरयानी हो तो बिरयानी के साथ रायता तो मस्त है। ये है आधा किलो दही लिया है, और ये है मेरा ग्रीन मसाला जिसमें है धनिया, पुदीना, करी पत्ता और हरी मिर्च, इसको जो है पीस के हम इसमें रायते में डालेंगे, हरी चटनी का मसाला बनाए रायता बनाएंगे। ये जो है 1 टीस्पून के करीब जो है वो डाल लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा ये नमक, क्योंकि ये रायते के लिए जो चटनी पीस रही हूँ उसमें है। ये 1/2 टीस्पून ज़ीरा, इसमें थोड़ी सी जो है दही डालेंगे, तकरीबन ये डाल रही हूँ 1 चम्मच, ये है ये सर्विंग स्पून जो है वो डालें, 3 सर्विंग स्पून डाल दिए दही के। ये देखें वो जो हरा मसाला था उसको ग्राइंड कर लिया है, अब इसको जो है दही में डाल देंगे और अच्छे से चम्मच को हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और ये देखें ये रायता तैयार हो गया है, ये 10 मिनट दम के भी पूरे हो गए हैं। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसकी शक्ल, ये देखें ये बहुत मज़े की बनेगी, आपको हर चीज़ का टेस्ट लेदर से इसमें डिफरेंट फील होगा। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो है इसको जो है शेयर ज़रूर किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मौसूल होती रहें। और खुश रहें, खुदा आप लोगों को हर तकलीफ से आज़ाद रखे, बचा के रखे, अपनी हिफाजत में अपनी पनाह में रखे। आमीन। खुदा हाफिज़।